उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज पुलिस विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी 112 पीआरवी द्वारा तिरंगा मार्च निकाला गया। पीआरवी वाहनों का ये तिरंगा मार्च पुलिस लाइन डबरई से प्रारंभ होकर बिल्टीगढ़ चौराहा, थाना मक्खनपुर से थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में सुभाष चौराहा, एटा चौक व मैनपुरी चौराहा से पास वापस मक्खनपुर से डबरई से आसफाबाद होते हुए जैन मंदिर पर पहुंचकर समापन हुआ। कार्यक्रम में जनपद फिरोजाबाद के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईने के लिए जनपद फिरोजाबाद से संवाददाता अभिषेक यादव की रिपोर्ट। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारे शुभकामनाएं। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा कई कार्यक्रम गरिमामयी एवं हर्ष सहित आयोजित किए गए। इसके लिए मैं कप्तान साहब फिरोजाबाद और फिरोजाबाद पुलिस को बधाई देता हूँ। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस पूरे हमारे हिंदुस्तान में आज़ाद में खुशी का माहौल है और आप आज इधर फिरोजाबाद में आए हैं। फिरोजाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पीआरवी को हरी झंडी स्वागत आपने रवाना किया है। यही सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पुलिस जनता के साथ है, पुलिस सतर्क है, पुलिस सक्रिय है और पुलिस हमेशा जनता के साथ है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह यादव आईएनए न्यूज से और इस वक्त खड़ा हूँ फिरोजाबाद के पुलिस मुख्यालय के सामने। मेरे पीछे आप गाड़ियों का हुजूम देख सकते हैं। ये रैली निकल रही है हमारे 75वें अमृत महोत्सव आज़ादी का जो है। पुलिस ने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम किया है। 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक यहाँ पर कई कार्यक्रम हुए हैं। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में उन्होंने खुद भी पार्टिसिपेट किया है और आज इसी संदर्भ में ये रैली का आयोजन किया गया है जो यहाँ से शुरू होकर शेखावत के क्षेत्र तक जाएगी और जाके ख़त्म होगी ये जैन मंदिर पे। मैं इस रैली के साथ बना रहूँगा और मेरे साथ आप इसकी पल पल की मूवमेंट की जानकारी देते हैं। आईएनए के लिए फिरोजाबाद से अभिषेक सिंह।